नमस्कार, मैदानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी हावड़ा बंगाल में मौजूद है। पीआरबी लगातार ग्राउंड पे मौजूद है और ग्राउंड जीरो से हकीकत जो जमीनी है वो आपको दिखाने का काम कर रहा है। आज बंगाल में प्रधानमंत्री आए, हालांकि योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी तमाम लोग बंगाल आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्त आ गया है सुनार बंगला बनाने की, जहाँ रोजगार मिले, जहाँ शिक्षा मिले, जहाँ गुंडों को जेल मिले। सुनार बंगले की बात हुई, वहीं दीदी की तमाम गुंडागर्दी की बात की कि जो उनके गुंडे हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, जहां उनकी जगह जेल थी वो सड़कों पे घूम रहे। तमाम लोग से बातचीत करेंगे कि हकीकत में माहौल क्या। इधर देखिए तमाम लोग इकट्ठे हो चुके हैं, सबसे जानेंगे, हिंदू मुसलमान सब है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सीधा सवाल सबसे पहले आपसे, क्या माहौल है? ममता का पलड़ा भारी है या जो मोदी लहर है या वो उस पर हावी है? देखिए, ममता का पलड़ा तो एकदम भारी है, और जो आपने कहा है, अमित शाह ने जो कहा है, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यहाँ पर जो है गुंडों का माहौल है। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी जो यहाँ पर आई थी कि यहाँ के गुंडों को निकालने के लिए, पकड़ने के लिए आई थी पुलिस बनकर, तो मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि तमाम के तमाम गुंडों को इन्होंने पकड़ा और अपने में दाखिल कर लिया, अपने में शामिल कर लिया। तो ये चीज तमाम गुंडे जो है नेता है भाजपा में चले गए। जी 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 जी, किसके साथ? ममता। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर दिया आपके लिए? हाँ, क्या कर दिया? बहुत अच्छा काम कर रहा। मोदी जी भी तो लिए क्या किया? मोदी जी करे, आप करेंगे, सरकार लाइए, 5 रुपए खाते में देके अब सिलेंडर में दाम बढ़ा के वसूल कर लिया। कहिए कहिए, कह रहे हैं रोजगार देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, यहाँ सब कुछ करेंगे। वही तो दिया, और उससे अच्छा दिखा देगा? लात दिया, जूता दिया, ठोकर दिया। एक औरत से लड़ने के लिए पूरा दिल्ली का कैबिनेट उठा के लिए आया है मोदी, बताइए। लगता है पीएम लड़ने आया है। जख्मी महिला लड़ पाएंगी? बात जख्मी महिला लड़ पाएंगी? अरे यार, शेरनी है वो, शेरनी है। दीदी 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 बंगाल मतलब दीदी 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 से अच्छा कोई नहीं, दीदी से अच्छा कोई नहीं। मोदी जी कह रहे हैं इस बार खिलेगा कमल ही, तो छोटा आदमी है, जुटता जुटता कहा जा रहा, हिंदू खतरे में इधर? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, गलत बात है, सब गलत बात है। यहाँ पर खेला होगा, खेला होगा। हाँ, एक पैर से खेला होगा। हाँ, एक पैर से खेला होगा। आप किसके साथ है? दीदी के साथ है। और पूरा लॉकडाउन जब पड़ा के देखा है यार, बीजेपी का आदमी यहाँ पर। क्या नाम है? सुदामा रजक। सुदामा रजक, अरे कह रहा है कि हिंदू खतरे में यहाँ? कुछ नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम हम लोग यहीं पर है। ये मुस्लिम लग रहा है, इसलिए खतरा है क्या? कुछ खतरा नहीं है, हम लोग भाई बहन का माफी मिल के यहाँ रहता रहता है। योगी जी भी आ रहे हैं, फायर ब्रांड ने आएगा तो लाठ खा के जाएगा यहाँ। क्या आप किसके साथ है चाचा? दीदी। क्यों दीदी क्यों पसंद है? नहीं दीदी, एक बार खेला हो बे बंगाल, एक बार से खेला हो जाएगा, खेला हो बे। आप किसके साथ है? ममता दी। ममता क्यों इतनी पसंद आ रही है? क्योंकि उनके काम पसंद आ रहे हैं। अच्छा। हमारे लिए सब कुछ वो उपलब्ध करा रही है, इसीलिए ममता दी। गुंडागर्दी यहाँ होता है? यहाँ कुछ गुंडागर्दी नहीं होता, हम स्विगी करते हैं। अच्छा। पूरा एरिया घूम के काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। गुंडागर्दी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब सुरक्षित है। चलिए, हिंदू सुरक्षित, बड़ा प्रूफ है, हम पूरा एरिया घूम के काम कर रहे हैं। हिंदू सुरक्षित है यहाँ पे? सब सुरक्षित है, हम लोग सब एक साथ है, कोई अलग नहीं है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सब सुरक्षित। मनोज कुमार जायसवाल। मनोज कुमार जायसवाल, कहा जा रहा है हिंदू खतरे में यहाँ? तो अरे हिंदू, हम तो 50 साल से यहाँ पर है हिंदू। अच्छा, हम तो हिंदू है, मुस्लिम का घर में खाते हैं, पीते हैं, बिजनेस करते हैं। अच्छा, यहाँ गुंडे वगैरह तो आपको नहीं दिख रहे हैं? कोई गुंडा नहीं, कोई गुंडा नहीं, कोई नहीं। अच्छा। भाई सबसे बड़ा गुंडा है मोदी, देश को बर्बाद कर दिया है। दीदी के साथ? मोदी जी नहीं, दीदी। दीदी क्यों? दीदी हम लोग अच्छा सा काम किए यहाँ पर, अच्छा सा सब मिलजुल कर रहते हैं, चाहते नहीं है बंगाल सोना बन जाए। हाँ, मोदी जी कह रहे सोना तो है, बंगाल तो सोना है ही है, मोदी आ रहा है उसको कचरा करने के लिए। मोदी शेर है ना, तो मेरा दीदी भी दुर्गा उसका सवारी करेगा। खाली विदेश को देख रहा, अपना देश को तो भाण में बेच रहा है, चाय बेचता है, चाय बेचता है। आप यहाँ रिक्शा चलाते हैं, लोग गुंडागर्दी आपके साथ करते हैं क्या? नहीं। अच्छा, एकदम आराम से चलाते हैं, हंसते कल जब भाई भाई मिल के। ये तमाम जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उससे प्रभाव पड़ेगा? ममता इसे दे, मंत्री कोई मंत्री नहीं होगा। ममता दीदी, आप किसके साथ? हम तो ममता का साथ है भाई, मोदी। अरे हम लोग यहाँ मोदी जानते किसको बोलते हैं, जो सौदा करता, बेचता सामान, बेचता अपना नाम का, अपना नाम के ऊपर मोदी काम कर रहा है। रेल बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, सब कुछ तो बेच रहा है, बेचने वाला काम अपने नाम जा रहा है। कड़ी टक्कर दे रहे हैं मोदी जी। कहाँ का टक्कर देगा मोदी, कहाँ से टक्कर देगा? क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा मोदी के आने से यहाँ? नहीं, कुछ नहीं,
अच्छा। एक भी पैसा नहीं, सिर्फ सिर्फ दीदी का प्रभाव है यहाँ पर, सिर्फ दीदी 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 के सिवा कुछ नहीं चाहिए। क्या देश में केंद्र में जो काम किए पसंद नहीं है मोदी जी? नहीं, मोदी का एक भी काम हमको पसंद नहीं है। अच्छा। एक भी काम नहीं। और दीदी का यहाँ पर 365 दिन में 365 काम है, एकदम खेला हो गया। आपसे जानते हैं कि क्या लगता है मोदी लहर ममता पे हावी है? मोदी लहर कुछ ममता पे हावी नहीं है, मोदी खुद चोर है, सबको चोर बनाता है। मुगल सेना को बोला कि ये डकैत है, चोर है, शारदा का पैसा लिया है, लेकिन वो खुद उसी को रख लिया है। अच्छा। कल तक चोर बोलता था, आज उसको साव बनाता है। अरे गुंडे यहाँ घूम रहे, मोदी जी कह रहे हैं ये गलत बात है। अच्छा। जो गुंडे हैं उसी को तो वो ले जा रहे हैं। अच्छा। और अपने में शामिल कर रहे हैं। राजीव बन्नू जी इतना बढ़िया नेता, जिसको लोग गुंडे बना के अपने में शामिल कर लिया पैसा दे के। अच्छा, मतलब भाजपा में जो चला जाता है साफ हो जाता है? सब साफ साफ हो जाता है, उसके लिए कोई केस नहीं है। चलिए क्या कहेंगे? दीदी दीदी दीदी, हम लोग बंगाल के लिए दीदी अच्छा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं वक्त आ गया सुनार बंगला बनाने का, जहां रोजगार, शिक्षा, उन्नयन सब कुछ होगा, सब होगा। मोदी जी पे भरोसा होगा? मोदी नहीं, नहीं, मोदी पे भरोसा नहीं, दीदी पे भरोसा। क्या मोदी लहर नहीं है क्या यहाँ? मोदी है क्या यार? मोदी तो एक पैसा खर्चा करके मोदी बनाया गया है। अच्छा। मोदी है क्या? बोलते हैं चाय बेचने वाला, किसी ने देखा इसको चाय बेचते हुए? देश बेचते हुए पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, हर एक नागरिक देख रहा है देश बेचते हुए। आज बोल रहे हैं कि बंगाल में आके सोनार बंगला बनाएंगे, अपना यूपी बिहार गुजरात जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ वहाँ सोनार बना के देखिए पहले। आप किसके साथ हैं? जी ममता दीदी के साथ है। और इतना पसंद क्यों यहाँ के लोगों को ममता दीदी? दीदी काम ही ऐसा किए हैं कि सबको पसंद है। दीदी काम अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किया। आज मोदी जी आए हुए रैली कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। अकेले श्रेणी पर पूरा दिल्ली सेंट्रल उठ के आ जाएगा और लास्ट तक रहेगा। हम तो चाहते हैं कि वो लास्ट तक जो है चुनाव तक रहे, काउंटिंग तक। हाँ। कि हम लोग के साथ गुलेल खेल करके और रंग खेल करके जाएं मोदी। लेकिन जो टीवी वाली मीडिया है वो कह रही है कि बंगाल में शेर आ गया। मोदी नहीं, शेर नहीं है, गीदड़ है, गीदड़ है, एक औरत उसको हराएगी, एक औरत उसको हराएगी। आपको तो पता है शेर का सवारी कौन करता है? माँ शेरा वाली, ममता बनर्जी है। हिंदू लोग साथ है, एकदम हम लोग का साथ है। मोदी शेर है तो दीदी सावा शेर है। टीवी वाले मीडिया कह रहे हैं कि शेर की एंट्री हो गई है, कमल खिल रहा है। जो भाड़ा का टट्टू लिए हुए हैं मोदी, वो दिखा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, लेकिन वो भाड़ा का टट्टू है। लेकिन एक बार दीदी हम लोग का साथ में है। एक बात, पूरे लॉकडाउन में एक भी बीजेपी वाले दिखाई नहीं दिए कहीं बस्ती में, सिर्फ टीएमसी के लोग थे पूरे बस्ती में। उतना दिन कहाँ था मोदी लॉकडाउन में? देखा अमित शाह कहाँ था? अब दिखाई दिया। लेकिन अमित शाह चना के कहते हैं हर चुनाव जीत लेते हैं, इस बार क्या होगा? तो ईवीएम चोरी करता है, तो ईवीएम चोरी करता है, चोरी करता है, बैलेंस कराइए। एक तरफा ममता बनर्जी यहाँ पे लग रहा है ईवीएम का खतरा है आप लोग? एकदम हो सकता है, हो सकता है, 100% का ईवीएम का खेला हो रहा है वो लोग का। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग बैलेंस से दे। बंगाल मतलब दीदी, बंगाल दीदी 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 कह रहे आएंगे तो रोजगार भी देंगे आपको। कैसे देंगे रोजगार? अभी तो खुद गरीबी है तो कहाँ से मिलेगा रोजगार? आधा देश तो बिक्री कर दिया। अच्छा। अब भारत में इधर आई कोलकाता बंगाल में तो इसको भी ले भी देंगे। यहाँ नहीं चलेगा, कह रहे हैं दीदी जो है गुंडा पालती है, गुंडा पाल रही है। अरे बहुत बड़ा झूठा है, और क्या बोलना उसके बारे में कुछ। अच्छा। बहुत बड़ा झूठा लगता है। अकेली ममता लड़ पाएंगे इतने मुख्यमंत्री आ रहे हैं? अकेला काफी है, काफी है। ये कांग्रेस जो मैदान में उसे फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मोदी को बोलिए जो झूठ पहले बोला वो झूठ को आपस ले। पहले वो बोला ना भाई हम कुर्सी पा जाएंगे तो 15 लाख रुपया करके हर एक खाता में जाएगा, और हम जीरो बैलेंस में खाता खोलिए उसमें 15 लाख रुपया करके स्विट्जरलैंड में जितना पैसा है, हमारे इंडिया में जितना पब्लिक है उसको देने से फिर भी पैसा बचेगा, पहले नंबर हुआ है। दूसरी नंबर जो है नोटबंदी किया है, वो नोटबंदी में कोई उसका डुप्लीकेट नहीं कर सकता है, लेकिन नोटबंदी करते करते सब जो है डुप्लीकेट बाहर निकल गया और बंगाल का सत्यानाश कर देगा, एकदम सत्यानाश करेगा। एकदम सही बात बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। जीने नहीं देगा हम लोग को, जीने नहीं देगा।
हम लोग कहो बंगाल में आ जाएगा, वो जीने नहीं देगा। कह रहे गुंडागर्दी अभी, आप कह रहे जीने नहीं देगा। यहाँ चैन है अभी, हिंदू भाई हम लोग, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम लोग बहुत चैन है, बहुत अमन से। तमाम लोग से यहाँ पे बातचीत की, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई और बंगाल में हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा, इन्होंने साफ कह दिया। तमाम लोगों से ग्राउंड में बातचीत की, माहौल क्या है, मिजाज क्या है, जमीनी हकीकत आपको पीआरवी दिखा दिया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।